दोस्तों आज के इस वीडियो में सबसे बड़ा सवाल कि सिम कार्ड पोर्ट होने के बाद उसे एक्टिवेट कैसे करें। सपोज दैट जब आप सिम कार्ड पोर्ट कराते हैं या जियो से या एयरटेल, एयरटेल से जियो या वीआई, तो वो आपको सिम कार्ड अलग से एक मिल जाता है। इस सिम कार्ड को मिलने के बाद क्या होता है आपको पता है? सिम कार्ड मिलने के बाद उसे एक्टिवेट कैसे किया जाता है आपको पता है कि 3 दिन का प्रोसेस होता है। जब भी सिम कार्ड पोर्ट किया जाता है उसमें 3 दिन का प्रोसेस होता है, 3 से 4 दिन लगता है, तब सिम कार्ड आपका पुराना वाला जो लगा रहता है वो बंद होता है, तब जाकर आपका न्यू वाला सिम कार्ड एक्टिवेट होता है। नंबर वही रहता है सेम, लेकिन कंपनी जो है चेंज हो जाती है, उसके तहत एक आपको सिम कार्ड मिल जाता है। इस सिम कार्ड को एक्टिवेट कैसे करें पूरी जानकारी को बारीकी से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल और वीआई के लिए। यदि आपके पास एयरटेल कंपनी है या वीआई है तो उसको किस प्रकार से आप वेरीफाई करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, बात को ध्यान से समझिएगा। उसके लिए 5909 पे कॉल करना है। 5909 पे जैसे ही आप कॉल करेंगे आपको जो है बोला जाएगा कि हिंदी के लिए 1 दबाएं, तो आप 1 दबाएंगे, उसके बाद आपसे 5 अंक का OTP मांगेगा। 5 अंक का OTP उस नंबर पे जाता है जो आप सिम एक्टिवेट करते समय अल्टरनेटिव नंबर पे देते हैं, उस पे OTP जाता है। सपोज दैट वो सिम कार्ड आपके पास नहीं है, उस पे OTP नहीं है, तब आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है, वो ऑप्शन मिलता है आधार कार्ड वेरीफिकेशन का। आधार कार्ड वेरीफिकेशन के तहत बोलता है कि आधार कार्ड के लिए यदि आपके पास 3 से 4 बार बोलेगा आपको इग्नोर करना है, लास्ट में बोलेगा कि यदि आपके पास आपका अल्टरनेटिव नंबर नहीं है तो आधार कार्ड से वेरीफाई करने के लिए 2 दबाएं। उसके बाद आधार कार्ड का लास्ट जो 4 अंक होता है वो डालना पड़ता है, उसके बाद आपका जन्म तिथि डालना पड़ता है, तब जाकर सिम कार्ड एक्टिवेट होता है। फिर भी आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता दूं, तीसरा ऑप्शन आप चूज करिएगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली आपका जो है कंपनी वाला फ़ोन करेगा, कुछ भी नहीं दबाना है। लास्ट में एकदम 2-4 मिनट के बाद कंपनी वाला फ़ोन करेगा और आपसे बात करेगा, आपको फ़ोन काटना नहीं 5909 पे। तब आपको अपना नाम बता देना है, एड्रेस बता देना, आसानी से आपका ओपन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं जियो के लिए, तो जियो के लिए 1977 पे कॉल करना है। इस पे लिखा रहता है लास्ट में, यहाँ पे लिखा रहता है 1977। इस पे कॉल करने के लिए वेरीफिकेशन सेम प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, आपको जो है हिंदी के लिए 1 दबाना है, उसके बाद आपको 5 अंक का OTP मांगेगा। यदि आपके पास मिल जाएगा OTP 5 अंक का तो डाल देंगे, हो जाएगा, वरना आधार कार्ड से लिए 2 दबाकर 4 अंक लास्ट का आधार कार्ड, उसके बाद जन्मतिथि डालकर वेरीफाई कर लेंगे। वरना आपको ये भी नहीं पता है तो लास्ट तक वेट करिएगा, लास्ट में कंपनी वाला आपसे बात करेगा। अब एक्टिवेट होने के बाद जियो का यदि सिम कार्ड है, इसमें सारे लोग, मैं आपको बता दूं कि जितने लोग पोर्ट कर रहे हैं पेड MNP कर रहे हैं, यानी आपका पैसा तुरंत मिल जाएगा। लेकिन बात आती है वीआई और एयरटेल के लिए, तो वीआई कंपनी है तो यदि पोर्ट मतलब पेड MNP नहीं हुआ होगा तो आपका फ़ोन नहीं जाएगा, आपका फ़ोन नहीं जाएगा वेरीफाई होने के बाद भी, वो बोलेगा रिचार्ज कराएं, तो आपका जो है आपका रिचार्ज नहीं है, तो आप संपर्क कर लीजिएगा जहाँ से करवाए हैं, वो आपका रिचार्ज डालेगा। वरना एयरटेल में यदि रिचार्ज पड़ा है और फिर भी आपका जो है फ़ोन लगाने पे बोल रहा है कि आप एयरटेल थैंक्स ऐप को डाउनलोड करें, तो उसके लिए प्ले स्टोर से एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड करिएगा, डाटा आपका चलेगा लेकिन कॉल नहीं जाएगा। तो उसको लोड करने के बाद आप वही नंबर डालकर एक्टिवेट करेंगे तो आपको आसानी से कॉल भी जाएगा, डाटा भी चलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। BSNL के लिए 1507 पे कॉल करना है। मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय फ्रेंड्स। वीडियो को रिपीट कर देख लीजिएगा, यदि नहीं समझ में आएगा तो।